हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और ठंडी ठंडी तीन तरीके की लस्सी, जिसमें कि मैं बनाऊंगी प्लेन लस्सी, चॉकलेट लस्सी और रोज़ लस्सी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ प्लेन लस्सी। इसके लिए लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें डालेंगे एक कप दही, 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से बर्फ के टुकड़े और थोड़ा सा पानी। पानी डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने लस्सी को ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। लास्ट में थोड़े से इलायची पाउडर से गार्निश कर देंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी प्लेन लस्सी बन के बिल्कुल रेडी है। ये हमारी प्लेन लस्सी बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चलते हैं रोज़ लस्सी बनाने। रोज़ लस्सी बनाने के लिए ले लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें डालेंगे एक कप दही। मैं यहाँ 1 ग्लास लस्सी के लिए दही की क्वांटिटी बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा। आप रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लस्सी को सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं लस्सी का कलर कितना प्यारा आया है। लास्ट में लस्सी के ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ, जिससे कि ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी रोज़ लस्सी बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर लस्सी। चॉकलेट फ्लेवर लस्सी बनाने के लिए लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें डालेंगे 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच चीनी, 3 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप। चॉकलेट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े और थोड़ा सा पानी। पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। लस्सी को हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। इसे और भी सुंदर दिखाने के लिए इसके ऊपर से थोड़े से चॉकलेट सिरप से हम डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्रेटेड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी तीनों लस्सियाँ बन के बिल्कुल रेडी है। ये तीनों लस्सियाँ ही टेस्ट में बहुत ही अच्छी है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आपको आज की मेरी लस्सी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।